अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। आज मैं अपने डेरे पर मौजूद हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, उनका ये डेरा है। ये कमरा थोड़ा छोटा सा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर गंदम बीजी हुई है। तो ये फ्लावर्स हैं, फूल, गुलाब के फूल हैं ये। तो ये बाइक है जी, ये नलका है जिससे पानी पीते हैं हम और डंगर वगैरह को भी पानी डालते हैं। ये है जी गाँव के गुलाब के फूल हैं जी। जब कोई शादी हो या कोई बारात हो तो गाड़ियाँ सजाई जाती हैं इन फूलों से। आपको चेक करवाते हैं ये फूल। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इनकी खुशबू है। ये लगता टूट ही गया मेरे से। तो ये पीछे पेड़, किन्नू के मेरे ख्याल में पेड़ हैं। तो यहाँ पर भी लोगों ने फसल बीजनी है अभी। ये कमरा है, ये गेट है। देखते हैं इसमें पानी नलके में आता तो फिर पीते हैं हम भी। पानी आता है, पानी इसमें गंदा है, कोई और नलका देखते हैं उसमें पीते हैं। तो इस बूटे पर अभी कोई फल वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। ये अमरूद का बूटा है जी, यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं। काफी प्यारा पेड़ है ये भी। ये परली साइड पे एक माद है। तो ये पेड़ हैं, किन्नू से लगे हुए हैं इन पर। देख रहे हैं आप इन पर किन्नू है। ये रहा जी किन्नू का, एक फ्लूटर है मेरे ख्याल में, फ्लूटर है जी, फ्लूटर। ये आम के पेड़ हैं परली साइड पे, दिख रही हैं आपको। तो यार अभी मैं तो छिटियाँ लादने आया था, कपास की जो छिटियाँ होती हैं ना उसकी मैंने हमने कटाई की है। वो सर्दियों और गर्मियों में वो ही गर्म चूल्हा वगैरह जलाते हैं उनसे ही। तो व्यूवर्स, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आपने नीचे मेरे वीडियो के नीचे मेरा पिक लगा हुआ है, उसके साथ ही सब्सक्राइब का बटन है, आपने सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना है। ये रूटावेटर है, पहले जब कपास काट दी जाती है तो उसके बाद ये रूटावेटर लगाया जाता है। फिर ज़मीन को लेवल करने के लिए ये कराया, इसे लेवल किया जाता है ये इस ब्लेड से। कमाल से यार, हमने क्या लाना, कमाल नहीं हमने खाना। अगर आपके तरफ भी इस तरह का की फसल है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। जैसा हमारा माहौल है ऐसे ही आपका माहौल है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये जी माशाल्लाह हमारा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। ये जी मकई है, मकई आप जानते हैं, मकई। ये मकई के बूटे हैं, ये देख लें आप जी, ये मकई के बूटे हैं। आपको एक यहाँ से तोड़ के दिखाते हैं अगर होगी तो। नहीं, अभी कच्ची है ये तो। अभी हम मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप लगाते हैं। मैं इस साइड पे आ चुका हूँ। तो ये हमने कटाई की है जी कपास, तो इसकी जो एक ट्रैली थी वो हम घर ले चुके हैं लाद कर ट्रैली पर। तो अभी वो ट्रैली खड़ी है, तो जो बच गई हैं, जो बची हुई छिटियाँ कपास की, वो भी हमने लादनी है और अपने घर ले जानी है। क्योंकि हमारा यार ना साल अच्छी तरह निकल जाता है, चूल्हा जलता है ना, ना गैस बनाना पड़ता है वैसे। तो वो मेरे हम साथी बैठे हुए हैं, कुछ माँ हैं, कुछ बहनें हैं, भाई सब, चाचा जान साहब वहाँ पर ही हैं। उनके पास जाता हूँ, पानी पीते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ।
और पानी हमने पी लिया है। तो जो चिट्टियाँ बच गई हैं वो लोड करनी है ट्रैली में, फिर घर ले जानी है, फिर इंशाल्लाह गपशप फिर भी है। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपको दिखाते हैं कैसे हम लोड करते हैं ट्रैली में चिट्टियाँ। तो मैंने यहाँ पे बैल ट्रैक्टर पर रख दिया है, तो मैं भी कुछ लदाई कर लूँ चिट्टियों की। तो ये मेरा एक कज़न है और एक दोस्त है, वो लकड़ियों की लदाई ऊपर ट्रैली पर कर रहा है। तो मैंने ट्रैक्टर पर बैल रख दिया, तो मैं भी थोड़ी सी लदाई कर लूँ। ये आधी ट्रैली इन्होंने अभी लोड कर दी है, तो कुछ मैं करवा देता हूँ उन्हें। अगर आप भी अपने इलाके में इस तरह चिट्टियाँ जोड़ते हैं, ऐसे ही किसी ट्रैली पर लाद कर लाते हैं और घर लेकर आते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी तरफ भी ऐसा माहौल है, ऐसे ही चिट्टियों का इस्तेमाल करते हैं घर लाते हैं, तो ज़रूर बताना है आपने। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।